विद्यालय दिल्ली पब्लिक स्कूल में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रधानाचार्य मुनीरा सिद्दीकी और स्कूल के निदेशक विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों द्वारा विभिन्न देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों ने देशभक्ति पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में भाषण दिया। वहीं बच्चों द्वारा परेड का भी आयोजन हुआ। साथ ही स्कूल के निदेशक विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी ने सभी बच्चों को संवैधानिक अधिकार के बारे में बताया। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत स्कूल के बच्चों और समस्त स्टाफ द्वारा एक मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ। सभी को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई गई। स्कूल में थोड़ा सा बहुत डिफरेंट तरीके से इसको मना रहे हैं और 26 जनवरी बच्चे जानते ही हैं कि हमारे लिए रिपब्लिक डे है, लेकिन आज के दिन हम उनको दो चीज़ों को बहुत रियलाइज़ कराया है जिसके ऊपर हमने काफ़ी जोर दिया है। नंबर वन है सड़क सुरक्षा, क्योंकि हर बच्चा किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं सड़क सुरक्षा से संबंधित होता है, उससे इफेक्ट होता है। तो हमने आप उनको आज रियलाइज़ कराया है कि उनका कितना बड़ा रोल है सड़क सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, उनको शपथ भी दिलाई गई है। इसी के साथ साथ एक देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आजकल युवाओं में बनी हुई है, वो है ड्रग अब्यूज़, मद्य निषेध। उसको भी हमने आज का एक मुद्दा बनाया है अपने स्कूल में और सब बच्चों को ये अवेयरनेस दिलाई है। कुछ बच्चों ने इसमें स्पीच दी है, कुछ बच्चों ने इसमें पोएट्री भी सुनाई है, कविताएं भी लिखी हैं, और उनको ये रियलाइज़ कराना है कि ड्रग अब्यूज़ जो है कितनी ख़तरनाक हो सकती है और किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने में कितनी सहायक होती है। तो उनको सबको इस पर भी हमने शपथ दिलाई है और सब बच्चों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कुछ प्रोग्राम बच्चों ने स्टेज पर प्रेजेंट किए हैं और अभी थोड़ी देर में बच्चों एक ह्यूमन चेन भी बनाएंगे स्कूल के बाहर जाकर, और आने जाने वाले रास्ते पर चलने वाले लोगों को भी इन दोनों चीज़ों के ऊपर उनका आकर्षण ध्यान आकर्षित करेंगे, और उसके बाद मिठाई वितरण होगा और सब बच्चे फिर अपने अपने घरों को चले जाएंगे। कुल मिलाकर आज का प्रोग्राम हमारे स्कूल में बहुत अच्छा रहा। प्रिंसिपल मैडम ने एक बहुत अच्छी स्पीच दी है, सारे स्टाफ ने, सारे हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम को तैयार कराया था और जो बहुत सफलतापूर्वक आज पूरा हुआ है। मैं सारे देशवासियों को आज के इस दिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा देश इसी तरह जैसे एक साथ मिलकर अभी तक चलता आ रहा है और देशभक्ति जो उनके दिलों में है वो और ज़्यादा उजागर हो और वो और ज़्यादा बड़ी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ ही इस अवसर पर कशिश वारसी, जितेंद्र धवल, आरिफा अंचल दीक्षित समेत स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।